नमस्कार साथियों, रीजनिंग मास्टर में मैं कन्हैया कुमार आपका स्वागत करता हूं, जहां कि आपको जो है एनालॉगी का ये सादृश्यता या समरूपता का चैप्टर बताया जाएगा, जो कि आज का ये चैप्टर 3 है। अगर आपने पहले और दूसरे चैप्टर को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। एनालॉगी से हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में, यानी कि रीजनिंग का अगर 20 क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉगी का पूछा ही जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये जो चैप्टर है, ये आपका सदृश्यता या समरूपता का जो ये चैप्टर है, 3रा है, और ये SSC एग्ज़ाम के लिए, साथ ही रेलवे का एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम के लिए, BEd का एग्ज़ाम के लिए, DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बिहार SSC, JSSC, उत्पाद सिपाही, यानी कि आपका जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ओके, जिस भी आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एनालॉजी उसमें रहेगा ही रहेगा। इसलिए रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनालॉजी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जितने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा उतना आपके लिए, मतलब उतना ही दोस्तों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला। ओके, तो यहाँ पे है एनालॉजी का क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जिस तरह से ये शब्द DROWN शब्द जैसे MXNSC से संबंधित है, उसी तरह से BREA के किससे संबंधित होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें 2 तरीके अपनाने पड़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, DROWN, ठीक है। नेक्स्ट नीचे लिखते हैं जो वर्ड दिया हुआ है, MXNSC दिया हुआ, ठीक है। तो जब हमने ये लिख लिया तो आगे क्या करना, देखिए यहाँ पे तो क्या है कि अगर आपने पहले कभी रीजनिंग का ये क्वेश्चन बनाया होगा, या रीजनिंग अगर आप कभी पढ़े होंगे पहले, तो आप इसका जवाब जस्ट से दे सकते हैं। अगर नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा आपको कि भाई ये बना कैसे, आप ये पहले सोचिए ये बना कैसे, ये कैसे, मतलब ये आया कैसे, ये आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ओके, जब ये वर्ड डी से जब यहाँ पे सी पे आया तो माइनस का एक आ गया, ठीक है। तो सेम हम वैसे ही करते हैं यहाँ पे, BREA के लिख लेते हैं, ओके, और बी से जब माइनस में एक जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कहिएगा ए आएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये फालतू का ये कोई सवाल नहीं है, ये सवाल आपके लाइफ को बदल सकता है। अगर आप रीजनिंग में बिल्कुल 0/0 हो तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित है भैया, इसलिए इसे मिस मत करिएगा, यहाँ पे समझिएगा। तो हमें क्या करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना, हमें समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा लास्ट लेटर ए आया, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से पहले हटा लेंगे, इसका लास्ट में लेटर ए है नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। क्या इसके लास्ट में ए आता है, कहिएगा आता है, तो ये हमारा हो सकता है, ओके। इसके भी लास्ट में ए है तो ये भी हमारा हो सकता है, बट LZFQC के लास्ट में ए नहीं है तो ये हमारा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया, मतलब माइंड से हमने फाइंड किया, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि R से जो ये वर्ड S पे जब गया तो RS यानी कि प्लस में कितना हो गया आपका, एक हो गया, ठीक है, कहिएगा बिल्कुल प्लस में यहाँ पे हमारा एक आ गया। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, R से जब हम S पे आएंगे तो प्लस एक कर देंगे, तो R से जब S पे गए तो प्लस एक किए तो कितना आ गया हमारे पास, S यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका सेकंड लास्ट में एस आना चाहिए, यानी कि लास्ट में ए और उसके पहले एस आना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन सी में तो है ही नहीं, बट आपका जो है वो आपका किस में, ऑप्शन ए में, बी में तो है कि लास्ट का यानी कि
फर्स्ट पहले से चौथा नंबर पे एस है, उसके बाद ए है, तो उस फॉर्मूले में आपका केवल ये जा रहा है, फिर भी हम इसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है। ओके, तो अब हम जब यहाँ पे आपका ओ के बाद ये वाला लेटर दोनों तो निकल गया, अब ओ से देखिएगा, ओ से जब हम एन पे गए तो हमारा फिर से क्या आया, प्लस में एक आ गया, प्लस में एक आया, माइनस में एक आया, तो कहिएगा माइनस में एक आया, यानी कि पहले माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो एक मैं जब हम माइनस एक करेंगे तो डी हमारा आ जाएगा, यानी कि डी ऐसे जिसका लास्ट होगा वही आंसर होगा, तो डी ऐसे तो इसका था नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना सीखना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा उसके बाद ए पे जब हम आएंगे तो ए में जब जो है आपका प्लस एक कर देंगे तो ए में प्लस एक करेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, उसके बाद के में जब माइनस एक करेंगे तो जे आ जाएगा, तो जे बी डी ऐसे आपका यहाँ पे सही निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन होता है आपका। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो भी दोस्त हमारे अभी पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और समझिएगा, जहाँ भी समझ में नहीं आए कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट में उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज हमारे यहाँ पे 10 प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है, 10 प्रश्न है, तो ये पहला ही प्रश्न है, अभी आपको वेट करना समझना है क्योंकि 10 प्रश्न तक आपको लेके चलूँगा मैं। ओके, थोड़ा हिचकी आ रहा है इस बार, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दूसरा कि एम बटे ए सी, एन बटे ए डी, ओ बटे ए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम समझना होगा कि एम एन ओ है, ठीक है, तो एम बटे ए सी है, फिर एन बटे ए डी है, फिर यहाँ पे ओ बटे ए और ई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। एम के बाद जस्ट एन दे दिया तो प्लस में एक कर दिया है, तो ओ के बाद प्लस में हम एक कर देंगे तो पी आ जाएगा, तो हमारा पी तो ऊपर में आएगा, तो पी जिसके भी ऊपर में है वो हमारा सही होगा, तो पी हमारे केवल दो ऑप्शन में, तो दोनों में से दोनों सही तो होगा नहीं, अब इसमें से कोई एक होगा, तो पी पी दोनों में लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ए ए है तो ये दोनों में तो जीरो है, यानी कि जो दोनों कॉमन है, तो हम फिर यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा यहाँ भी ए है तो इस जगह भी हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, तो इस जगह भी जब हमारा ए आ जाएगा तो नेक्स्ट में यहाँ पे ए था सी था, यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ पे जब ये सी के बाद डी हो गया, यानी कि सी से डी में गया तो प्लस में एक आया, तो उसी तरह से डी में ई में जब प्लस एक कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी कि ए और एफ जिसमें भी होगा वो आपका सही ऑप्शन है, ए और एफ वाला, तो ए और सी इसमें तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए में आपका ए और एफ दोनों है, तो पी बटे ए एफ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आप यहाँ पे पी बटे ए एफ यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न कहीं से भी उठा के ले आता हूँ, जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ ये आपका जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछली एग्जाम में पूछे गए ये सारे के सारे प्रश्न, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे जाने वाला ही प्रश्न रहता है, क्योंकि मैं भी कोई नया खिलाड़ी हूँ नहीं, मैं भी बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ और मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किया, पास किया, मतलब तो ऐसा नहीं कि मैं मेरे को पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, मुझे सब पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, बस आप इसे समझ लो, गारंटी मिली कि आपका हर एक एग्ज़ाम निकलेगा रीजनिंग से, रीजनिंग में आप कम नंबर नहीं लाओगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, एक बटे एक आठ सत्ताईस क्या होगा, तो हमारे पास एक आठ है और सत्ताईस के बाद क्या है वो हमें नहीं पता है, तो समझिएगा एक से आठ जाएंगे तो प्लस सात करेंगे तो हमारा आठ आ जाएगा, तो सत्ताईस में जब प्लस में सात करेंगे तो हमारा चौंतीस आना चाहिए, लेकिन चौंतीस तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आप नहीं कर सकते, पाप लगेगा आपको भैया, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसा हम कर नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे एक है, एक के बाद यहाँ पे आठ आ गया है, तो अगर हम एक का क्यूब कर लें तो हमारा एक ही आता है, और दो का क्यूब अगर करेंगे तो दो गुने दो का क्यूब मतलब दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना आपस में,
तो दो दोने का चार, चार दोने का आठ, आठ आपका बिल्कुल यहाँ आ रहा है। तो सेम अगर हम यहाँ भी लॉजिक लगाएं कि 27 कैसे आया होगा, 27 कैसे आया होगा, तो दो का क्यूब से, तीन का क्यूब से, चार का क्यूब से, पाँच का क्यूब से, कुछ तो होगा लॉजिक। तो 27 आया है आपका तीन का क्यूब, अगर आप जानते होंगे तो तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया 27 आ गया, ठीक है। तो हमने पहले में एक और प्लस में एक जाके मल्टीप्लाई हुआ, देखिएगा यहाँ पे एक का क्यूब निकला, सेकंड में फिर आपका दो का क्यूब निकला, यानी कि प्लस में एक जाके क्यूब निकला। तो यहाँ पे जब पहले बार में आपका तीन का क्यूब निकला तो सेकंड में जब तीन में प्लस एक करेंगे तो चार का क्यूब आएगा, और चार का क्यूब आपका क्या आएगा, चार का क्यूब आपका चार गुने का चार गुने का चार, यानी कि आपका चार चार सोलह, सोलह चौका चौंसठ, यानी कि इस जगह पे आपका 64 आएगा। तो 64 इस जगह पे आएगा, तो 64 ऑप्शन आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर बैठेगा, कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न और खास बन जाता है, चौथा क्वेश्चन है 24 के बाद 126, 126 के बाद 48, यहाँ पे क्या होगा वो फाइंड करना है, ओके। तो उसके लिए अब क्या करेंगे आप, 24 कैसे आ सकता है, तो 24 आने के लिए दो फॉर्मूला है, कि या तो ये 12 गुने दो कर देंगे तो 24 आ जाता है, लेकिन ऐसे में ये नहीं आ सकता है। तो आपको रीजनिंग बनाने के लिए स्क्वायर क्यूब ये सब याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 आता है, माइनस 1 कर दें तो 24 आ जाएगा। उसी तरह से 126 है तो 5 का क्यूब करते हैं तो 25 पंचे 125 माइनस प्लस 1 करेंगे तो 126, यानी कि पहले मैं आपका क्या हुआ था कि माइनस 1 हुआ था स्क्वायर करके, दूसरे में जो है आपका इस क्यूब करके प्लस 1 हुआ। तो अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 48 आया, ठीक है। तो 48 आया तो 48 तो जो है आपका किसका क्यूब रूट कुछ तो आना चाहिए ना, 48 है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो 48, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में 7 का ही आपको क्यूब करना है, ओके। तो 7 का क्यूब अगर आप करिएगा तो 7 का क्यूब करिएगा और प्लस में 1 करिएगा, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 का तीन हाथ में बच गया 6, 7 चौका 28 और 6 34, 343 होता है, और जब उसमें प्लस 1 कर दीजिएगा तो 344 हो जाएगा। तो 344 आपका ऑप्शन डी में है, तो 344 यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो 344 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं आपके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे 344, ओके। तो ऐसे ही छोटे मोटे छोटे क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में कर सकते हो और नंबर यहाँ से उठा सकते हो बेहतरीन तरीके से। इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, ओके। 7 के बाद 45 है, 5 के बाद क्या होगा, 7 कैसे आया और 45 कैसे आया ये हम पहले समझेंगे। तो 7 कैसे आया, 7 कैसे आया, फिर 45 कैसे आया, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो जिस तरह से यहाँ पे देखिएगा 7 के बाद 45, तो 7 को का कहीं ना कहीं 45 से या तो कोई संबंध होगा या फिर कुछ और होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 प्लस 3 करेंगे तो उसका 7 आ रहा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 3 दोने 6, 6 4 10 आ रहा है। तो इस तरह से हम नहीं बना सकते इसके, इसको बनाने के लिए अब दूसरा यहाँ पे तरीका अपनाना होगा हमें। तो दूसरा तरीका क्या है वो तो समझिए, 7 से 45 कैसे आ सकता है, 7 छक 42, तो 7 को जब 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 3 कर दिए तो हमारा 45 आ गया। तो नेक्स्ट में भी अगर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है तो हमका आपका सही है। तो नेक्स्ट में 5 है, ठीक है। तो जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 और प्लस में जब 3 कर देंगे तो 33 आ रहा, तो 33 जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, या तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला गलत है।
तो ऑप्शन ए में 20 है ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में 30 है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में 43 है ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 33 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप मत करिएगा, अभी स्किप मत करिएगा, इसे पूरा आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी SSC रेलवे बैंकिंग साथ ही जो है BEd DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैंने दिया है, और मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा, पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा, इसलिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे 16 है, 16 के बाद आपका क्या आ गया है, 34 आ गया है, तो 16 के बाद 34 आ गया है। नेक्स्ट में आपका 11 है, 11 के बाद क्या होगा वो पता नहीं। तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 में प्लस 2 करेंगे तो 34, यानी कि ये पुराना वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर दिए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई किए 22, 22 ने 2 कर दिया तो जो 24, तो 24 आपका ऑप्शन में अगर है तो ये सही है, नहीं है तो ये आपका फॉर्मूला गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन ए में भी नहीं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में आपका 24 है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है, 3210 है और यहाँ पे 5432 है, नेक्स्ट में आपका 6753 है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसे दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका है, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या हुआ कि यहाँ पे 3, इसमें समझिएगा 3210 को हम यहाँ पे 3210 इस तरह से लिख दिए, ठीक है, 3210। उसके बाद क्या किया यहाँ पे कि हम इससे इधर चले गए, 3 हर एक वर्ड में प्लस 2 कर दिए, यानी कि 3 का जो भी वर्ड था 3 में प्लस 2 कर दिए तो 5 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे 2 जो था तो 2 में क्या किए कि 2 में हम जब यहाँ पे प्लस 2 किए तो 4 आ गया, फिर यहाँ पे 1 में जब प्लस 2 किए तो 2 और 1 3 आ गया, फिर हम यहाँ पे जब 0 में प्लस 2 किए तो 2 आ गया, यानी कि 5410 हमारा कहाँ से आया, 5432 हमारा कहाँ से आया, हर एक वर्ड में इसका प्लस 2 कर दिए तो हमारा 5432 निकल के आ गया। वही फॉर्मूला अगर हम इसमें यूज करते हैं और अगर आंसर सही आता है तो हमारा आंसर सही, अगर नहीं आता तो हमारा आंसर गलत है, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम में नहीं आएगा। तो रीजनिंग को बनाने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूले, ऐसे 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 तिगड़मबाजियाँ करनी पड़ती है। तो इसका हर एक वर्ड इस तरह हम लिख लिए, उसके बाद हर एक वर्ड में प्लस का 2 कर दिए, ठीक है, तो 6 में जब प्लस 2 किए तो हमारा 8 आ गया, तो जिस भी लेटर का शुरुआती अक्षर 8 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में तो है बट ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में 7 है शुरुआती लेटर, ऑप्शन डी में 5 है शुरुआती लेटर, इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यहाँ पे 8 9 7 5 ही आपका आंसर है। तो क्या हम इसे डायरेक्टली सही कर सकते हैं या इसे एक बार चेक करना, तो चेक करिए, यहाँ पे 6 में प्लस 2 किए तो 8 आया, 7 में प्लस 2 किए तो 9 आया, 5 में प्लस 2 किए तो 7 आया, 3 में प्लस 2 किए तो 5 आया, 7 8 9 7 5 बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हो। 6 है 30 है 90 है, तो ये आया कैसे, 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 30 आता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है। तो इस दोनों में जो है एक कॉमन वर्ड है यहाँ पे कि 5 और देखिएगा यहाँ पे ये 5 और सॉरी ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये 5 और 3 का अनुपात में आया, ठीक है,
मतलब 5 का 3 का, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का, तो इस दोनों के बीच का अंतर 2 का है। तो यही वर्ड आना चाहिए, यानी कि जैसे 46 आया और 42 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 46 6 बार, इससे 2 बार आगे बढ़ के मल्टीप्लाई, 2 बार घटा के करते हैं, ठीक है, 4 बार, तो 42 चौका कुछ और आएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी को देखते हैं। 46 ठीक है, और 42 6, यानी कि इससे अब 2 घटा देते हैं, 4 पे आ जाते हैं। तो 42 चौका, 4 4 16, 168 आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसे भी हटा दीजिए। ऑप्शन अब 2 बचता है, 6 चौका 24 आता है, ठीक है, 4 बार, और 24 दूने का 48 आना चाहिए, क्योंकि उसे 2 घटा दिए तो 48 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन डी में है, तो हम इसे ज्ञात कर, 8 है 48 है 192 है, ठीक है, 8 6 48 आया, 6। अब यहाँ पे 5 आया था तो 3 आया सेकंड में, क्योंकि हम 2 माइनस कर दिए, यहाँ भी जो 2 माइनस करेंगे तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 32 का 2 हाथ में बचेगा, 3 4 4 16 और 3 19, 192। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, ऑप्शन डी परम सत्य है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर का, 9वां प्रश्न आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है, जैसे मसूर हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो मसूर, मटर तथा सोयाबीन तीनों क्या है, दाल वर्ग से संबंधित है। मसूर, सोयाबीन, मटर क्या है कि दाल वर्ग से संबंधित है, ना ही ये तीनों मसूर, मटर और सोयाबीन सब्जी से नहीं संबंधित है, अरहर से भी नहीं संबंधित है, सेम से भी नहीं संबंधित है, मगर ये तीनों का तीनों दाल वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बन के आ रहा है कि दाल है, यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बन के आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मटर, मसूर, सोयाबीन दाल वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैंने HW रख दिया, क्योंकि इसका जवाब आप लोग खुद से ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपने इसका आंसर खोज लिया तो आप समझिएगा कि आपसे कोई भी दुनिया का एग्जाम हो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पर जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, भारत मात की जय।